हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं रवि शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन और टेस्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता के मूल्यांकन हेतु दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, संख्यात्मक मान निर्धारण पैमाना विधि, रेटिंग स्केल मेथड। दूसरा है प्रश्नावली अथवा चिन्हांकन सूची विधि, क्वेश्चनेयर और चेक लिस्ट मेथड। पाठ्य पुस्तकें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये अध्यापकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है, तथा अध्यापन या शिक्षण से अलग भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जबकि व्यवसाय यानी शिक्षण व्यवसाय से हटकर वहाँ भी पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है आप इनका मूल्यांकन के संबंध में किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो इनको दो वर्गों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्यात्मक मान निर्धारण पैमाना विधि, रेटिंग स्केल मेथड। इस विधि में पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन के कुछ मानदंड निश्चित किए जाते हैं। इन मानदंडों को एक तालिका में प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं के अनुरूप जो है अनुभव के आधार पर तालिका में दिए गए मानदंडों को ध्यान में रखकर या रखते हुए पुस्तक की रेटिंग परिमाणात्मक या फिर संख्यात्मक मान देना करनी होती है। सामान्यतः रेटिंग का जो है रेटिंग के लिए 5 श्रेणियाँ दी जाती हैं जिनके लिए संख्यात्मक मान निश्चित होता है। मानदंड के अनुसार मूल्यांकनकर्ता की जैसी सम्मति होती है उसी प्रकार की श्रेणी के नीचे वह सही का निशान लगाकर रेटिंग यानी कि चिन्हित कर देता है। रेटिंग की श्रेणियां एवं उनके संख्यात्मक मान इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक श्रेणी बनाई गई है जिसमें सबसे पहला कॉलम है सर्वोत्तम, श्रेणी लिखने के बाद दूसरा है उत्तम, तीसरा है औसत, चौथा है निकृष्ट और अति निकृष्ट। संख्यात्मक मान दिया गया है सर्वोत्तम के लिए 5, उत्तम के लिए 4, औसत के लिए 3, निकृष्ट के लिए 2 और अति निकृष्ट के लिए 1। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है रेटिंग स्केल की, तो उसको हम देखेंगे। ये देख रहे हैं हम रेटिंग स्केल किस प्रकार से की गई है। पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन हेतु मानदंड, क्राइटेरिया और इवैल्यूएशन, इसमें जैसा कि अभी बताया गया था एक तालिका या श्रेणी, सर्वोत्तम 5 अंक दिया गया है, उत्तम के लिए 4, औसत के लिए 3, निकृष्ट के लिए 2 और अति निकृष्ट के लिए 1 दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ दिया गया है पुस्तक की बाहरी आकृति एवं तकनीकी तत्व। अब हम किस तरह से रेटिंग करेंगे इसके लिए भी पॉइंट दिए गए हैं। अपना सर कैसा है, सर्वोत्तम है तो सर्वोत्तम के नीचे वाले कॉलम में हम टिक करेंगे, चिन्हित करेंगे। उत्तम है तो उसके नीचे, औसत है तो उसके ठीक नीचे, और निकृष्ट है तो ठीक उसी के नीचे, यानी कि आपन प्रश्न जो लिखा हुआ है उसके ठीक सामने वाले कॉलम में, अति निकृष्ट तो उसके ठीक नीचे लास्ट कॉलम में, एक पॉइंट का है। इस तरह से रेटिंग की जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट आता है इसके अंतर्गत जिल्द, कागज, मुद्रण और आकार। इसी प्रकार से रेटिंग करनी होगी संगठन के विषय में। इसको हम देखेंगे संगठन को, इसमें पॉइंट 3 हैं, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन, अध्यायों का तार्किक विभाजन, अध्यायों की क्रमबद्धता, अध्यायों का संबद्धता यानी कि अध्यायों की संबद्धता एक दूसरे से संबंधित है या नहीं, या फिर अलग अलग टाइप के जो है अध्याय चैप्टर दे दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण। अभी तो प्रस्तुतिकरण के विषय में बताया ही गया था, अब यहाँ पर रेटिंग किस प्रकार से करनी है उसको देखेंगे। वह जो शैली, फिर नवीनता, निष्पक्षता, शब्दावली, अध्ययनता या अध्ययनता। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल उदाहरण इसमें उपयुक्तता यानी कि पाठों के अनुकूल उपयुक्त हैं अथवा नहीं, रोचकता, जीवन से संबद्धता।
नेक्स्ट देखेंगे गुणात्मकता, वास्तविकता। इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे चित्र, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, ग्राफ आदि। रेटिंग उसी तरह से करते जाना है जैसे कि अभी पहले बताया गया था। सर्वोत्तम के लिए 5 नंबर पे टिक करना है, 5 नंबर के ठीक नीचे वाले कॉलम में। सर्वोत्तम के लिए 4 और औसत के लिए 3, निकृष्ट के लिए 2 और अति निकृष्ट के लिए 1 दिया गया है। सिर्फ इसमें टिक करना है उस कॉलम पे ठीक स्थान में। तो इसमें दिया गया है चित्र, मानचित्र, ग्राफ और चार्ट आदि के विषय में। आकार कैसा है, उपयुक्तता, स्पष्टता, शुद्धता एवं वास्तविकता। सिक्स पॉइंट में हम देख रहे हैं अभ्यासार्थ प्रश्न। अब प्रश्नों के विषय में हम रेटिंग कैसे करेंगे इसको देखेंगे। विषय वस्तु से प्रश्न संबंध है या नहीं है, संबंधित है या नहीं है। ऐसा ना हो कि विषय वस्तु तो कुछ और हो और प्रश्न कुछ और दे दिए गए हों। इसके अलावा व्यापकता, शिक्षकों की दृष्टि से उपयोगिता, छात्रों की दृष्टि से उपयोगिता, प्रश्नों का चयन, प्रश्नों की प्रेरणादायक शक्ति। नेक्स्ट हम देखेंगे संदर्भ एवं निर्देशन। इसके अंतर्गत पॉइंट हैं व्यवहारिकता, शिक्षण की दृष्टि से महत्व, छात्रों की दृष्टि से महत्व, नवीनता एवं पूर्णता। इसके अलावा एट्थ पॉइंट हम देखेंगे भूमिका, परिशिष्ट एवं अनुक्रमणिका। भूमिका, परिशिष्ट एवं अनुक्रमणिका इनके इंडेक्स के अंतर्गत पॉइंट हो सकते हैं। उद्देश्य पूर्णता, व्यवस्थापन, महत्व, व्यवहारिकता, पूर्णता और लास्ट में होगा योग का कॉलम, उसके ठीक नीचे कुल योग। इस प्रकार से रेटिंग स्केल की जाती है। अब हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक के संबंध में निर्णय। रेटिंग स्केल विधि से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक तत्वों की जांच तो हो जाती है, किंतु मूल्यांकन को पूर्णता प्रदान करने के लिए लेखक की योग्यता, अनुभव एवं विषय विशेषज्ञता, प्रकाशक का अनुभव एवं जो भी प्रकाशक है उसका अनुभव एवं साथ ही साथ विश्वसनीयता, प्रकाशन की तिथि, पुस्तक का आकार एवं प्रश्नों की संख्या के बारे में तथा पुस्तक के तर्कसंगत मूल्य आदि पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार पुस्तक के बारे में सही निर्णय लिया जा सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट दूसरा जो भाग किया गया था मूल्यांकन हेतु दूसरी विधि बताई गई थी क्वेश्चन आयर और चेकलिस्ट मेथड के विषय में, यानी कि प्रश्नावली अथवा चिन्हांकन सूची विधि के विषय में हम प्रकाश डालेंगे। इस विधि में पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन एक प्रश्नावली के आधार पर किया जाता है। प्रश्नों के उत्तर हाँ अथवा नहीं के जो है भाग के रूप में या फिर रूप में देने होते हैं। सामान्यतः प्रश्नों में ही प्रश्नों के सामने हाँ या नहीं लिखा रहता है। मूल्यांकनकर्ता को प्रश्नों के आधार पर पुस्तक का आकलन करके हाँ अथवा नहीं को चिन्हित करना होता है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक के बारे में निर्णय लिया जा सकता है कि वह कहाँ तक छात्रों के लिए उपयुक्त हैं। पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन हेतु एक सामान्य प्रश्नावली किस प्रकार से हो सकती है उसके विषय में हम प्रकाश डालेंगे। इसमें 3 कॉलम हो सकते हैं जिसमें क्रम संख्या, प्रश्न और हाँ नहीं यानी कि मत क्या रहेगा देना होता है। तो प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं ये हम देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में। क्या ये पाठ्यक्रम से संबंधित है? दूसरा प्रश्न हो सकता है क्या इसमें विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया है? यहाँ पर अगर हाँ तो हाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो नहीं के पर टिक करेंगे या चिन्हित करेंगे। क्या इसमें उपयुक्त या प्रयुक्त जो शब्दावली है, प्रस्तुतिकरण का ढंग, वाक्यों की रचना एवं संगठन आदि छात्रों के अनुकूल है? क्या इसमें अंतर वस्तु का चयन शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप किया गया है?
यहाँ भी हाँ या नहीं, जो भी हमें सही लगता है उस पर निशान लगाया जाएगा। क्या आपकी विषय वस्तु छात्रों में, यानी कहें जो किताब है उसकी विषय वस्तु, क्या इसकी विषय वस्तु छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित करने तथा स्वतः अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने में सफल सिद्ध हो सकती है? क्या इसकी विषय वस्तु छात्रों में समस्या समाधान की कुशलता का विकास करने में समर्थ है? साथ ही साथ हम देखेंगे क्या इसमें प्रयुक्त चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र, तालिकाएं, ग्राफ एवं आंकड़े आदि स्पष्ट, शुद्ध, आधुनिकतम एवं अर्थपूर्ण है? इसमें भी हाँ या नहीं पर टिक करेंगे, क्योंकि जो सही लगता है उसको सही का निशान लगा देंगे। हाँ है, आ रहा है, हमें लग रहा है कि हाँ ऐसा है, तो हाँ पर निशान लगा देंगे, नहीं तो नहीं पर लगा देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। चित्र स्पष्ट है नहीं है, मानचित्र स्पष्ट है कि नहीं है, पता नहीं कि दूसरा मानचित्र लगा दिया हो, पार्ट रिलेटेड ना हो, रेखा चित्र किस प्रकार के हैं, तालिकाएँ और ग्राफ किस प्रकार से बनाए गए हैं, तो ये सब इसमें देखना होता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि अध्याय के अंत में साधारण सभ्यता प्रश्न एवं उपयुक्त निर्देश आदि दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो सकता है कि पुस्तक के प्रारंभ में भूमिका, विषय सूची तथा अंत में सहायक ग्रंथों की सूची दी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देख सकते हैं क्या इसका अध्ययन छात्रों का सामाजिक आर्थिक विकास करने तथा आदर्श नागरिकता का विकास करने में सहायक हो सकते हैं? क्या इसमें विवादास्पद प्रश्नों की निष्पक्ष एवं वस्तुपरक ढंग से विवेचना की गई है? इसी के साथ और प्रश्न हो सकता है कि क्या पुस्तक का लेखक विषय का विद्वान, अनुभवी तथा प्रशिक्षित है? इसके अलावा लास्ट में हम देख सकते हैं, इसके अलावा अन्य प्रश्न भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही प्रश्न रहेंगे, लेकिन इस प्रकार की बातें जरूर पूछी जानी चाहिए। क्या पुस्तक का मूल्य सामान्य छात्रों की आर्थिक स्थिति के अनुरूप रखा गया है? इसमें भी हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो ये थी हमारे पाठ्य पुस्तकों के चयन का मूल्यांकन के लिए विधियाँ। ये दो विधियों का प्रयोग किया जा सकता है और इनसे सही मूल्यांकन किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।